गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के छोके भाल थे, जब तमाम राजा महाराजा साम्राज्य से अंग्रेजों के समक्ष समर में दौड़ रहे थे, ऐसे में एक महिला सिंहिनी की भांति दहाड़ दी है। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। पंक्तियां समर्पित करती गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अब ला कहते थे लोग जिसे, अब ला कहते थे लोग जिसे, जब पहली बार सबल देखी भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धड़ा नहीं पटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी साम्रांगण में, या तो गोरों को मारूंगी, या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। शिशु पृष्ठभाग पर बांध दिया, शिशु पृष्ठभाग पर बांध दिया, पल गाए साथी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार, गहलिए खड़गंज हाथों में, गहलिए खड़गंज हाथों में। जब तक महिषेश शीश पर है, जब तक महिषेश शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई का। निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारी में वातंत्र घरी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदस्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब श्रृंगनाद की जगह शिकालों की आवाजें आती है, जब श्रृंगनाद की जगह शिकालों की आवाजें आती है, जब कौओं के आदेशों पर कोयले बाज्य हो गाती है, जब अनाचार की परछाई, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगते हैं, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगते हैं, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, दन चंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया, चपला सब तलवारे चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रणबीच अकेली डटी रही, वो अकेली क्यों डटी रही, बहुत बड़ा सवाल उठता है मन में। 1857 की क्रांति तक कालिंद वाली और नरेश ने यदि महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दे दिया होता तो संभवतः हम 1857 की क्रांति में ही स्वतंत्र हो गए होते। रणबीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौबारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे, हम अपनों से हारे थे। धन्यवाद।